हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेना हेयर डाई वीडियो। तो बहुत दिन हो गए थे, बहुत महीने हो गए थे ये वीडियो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने बाल कलर किए थे। सो ऑलरेडी मैंने जो कलर किया था वो पूरा चला गया है, क्योंकि मैंने हेयर भी चॉप कर दिए हैं। तो अब मैं हेना लगा सकती थी, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। एक्चुअली मैं खुद मिस कर रही थी हेना लगाना वालों पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और हर बार की तरह कुछ ना कुछ अलग इसमें मैं मिक्स करूंगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, तो ऑफकोर्स आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसमें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहां पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे मेरा आईडी है माई सुपरवेज। सो फिलहाल हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी रखा है उबालने के लिए। इसमें मैं डालने वाली हूँ कॉफी, कौन से भी कॉफी आप यूज कर सकते हैं। तो लगभग एक बड़ा चम्मच आपको कॉफी डालनी होगी। इस पानी को अच्छे से उबालना है। अब इसमें हम क्लोव्स डालेंगे, लगभग 7 से 8। तो अगर आपने मेरे हेना के पहले वीडियोस देखे तो आपको पता है कि मैं क्लोव्स क्यों डालती हूँ, इसके क्या क्या फायदे हैं। लौंग डालने के बाद भी पानी को अच्छे से उबालना है। लौंग से स्काल्प पे जो फंगस रहता है वो चला जाता है, और कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिए हैं, ड्राई कर लिए उसको, और इसको अब मैं मिक्सी में पीसूंगी। इसकी आपको अच्छे से फाइन पाउडर बनानी है, या फिर उसमें पानी डाल के पीसना है। सो ऑनलाइन करी लीव्स पाउडर भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितनी फाइन पेस्ट या पाउडर आप बना सकते हैं उतनी बनाओ करी लीव्स की, वरना जब हम बालों में लगाते हैं तो वो बहुत गिरता है लगाते समय। मेरे से इतनी फाइन नहीं बनी थी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए मैंने करी लीव्स यूज किए हैं आज। तो यहाँ पे मैंने ली है ना, ये मैं नुपुर की लेती हूँ हमेशा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और इसमें बहुत सारे ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद ये जो करी लीव पेस्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने पानी डाल के उसको ऐसे ही रखा है, और ये हमारा कॉफी और लौंग का पानी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर ली है, तो आंवला पाउडर भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैंने आयरन वेसल लिया है। आप जानते हो कि हमेशा मैं आयरन वेसल में हेना मिक्स करती हूँ, इससे एक तो हमारे बालों को आयरन मिलता है, और इससे कलर ज़्यादा देर तक टिका रहता है, और जो हेना है अपना कलर अच्छे से डिफ्यूज करती है आयरन वेसल में। तो हेना का ये पूरा पैकेट मैंने इसमें डाला है, जो 120 ग्राम का था। आपके हेयर लेंथ के अनुसार आपको हेना लेनी है। तो इसमें मैंने जो करी लीव्स पेस्ट था वो डाला है। यहाँ पे आंवला पाउडर आपको 4 से 5 चम्मच डालनी है, ब्रांड आप कौन सा भी ले सकते हैं। आंवला पाउडर एक्चुअली बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, हेयर ग्रोथ भी होती है, इससे हेयर लॉस भी कम होता है, और हमारे ग्रे हेयर कवर करने के लिए भी आंवला बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा कॉफ़ी वाटर था वो धीरे धीरे मैं इसमें डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से। तो हमें इसको सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारी हेना अच्छे से मिक्स हो गई है, इसको हम ओवरनाइट ऐसे ही रखेंगे। आपको इसके ऊपर लिड रखना है, और ये जो कॉफ़ी वाटर बचा था वो मैंने ऐसे ही रखा था। तो दूसरे दिन आप देख रहे हो हेना का कलर, और यहाँ पे मैंने इसमें दही मिलाया है 2 चम्मच, और जो कॉफ़ी वाटर बचा था वो भी मिलाया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी थिक नहीं चाहिए। सो इसलिए ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। और आपके बालों पे लगाने के लिए आपको ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हमारी ये हेना पेस्ट रेडी है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन तो मैं पूरी तरीके से नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बनाए हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट करना। तो खुद को कैसे लगाते हैं हेना और दूसरों के बालों पर कैसे लगाते हैं, ये सब उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से हेना लगाई थी। डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स आपको यहाँ पे पहनने हैं और अच्छे से बन बनाना है। यहाँ पे हेना लगा के हो गई है बालों पे। इसको मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, और क्लिंग फॉइल से इस तरीके से उसको रैप किया था। आप प्लास्टिक पॉलीथीन से भी इसको रैप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल हेयर वॉश करने हैं, और रात में अच्छे से ऑयलिंग करने हेयर को, दूसरे दिन शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं, और तीसरे चौथे दिन में आपको इतना अच्छा कलर दिखेगा बालों का। और जैसे मैंने इसमें करी लीव्स और आंवला पाउडर डाली थी, तो ये हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हैं, तो बाल मैं आपको सनलाइट में दिखाना चाहती थी, बहुत यहाँ पे क्लाउडी रहता है, सो इसलिए मैंने आपको नॉर्मल लाइट में इसको दिखाया है। तो आप मेरे बाल देख रहे हैं, एक तो बहुत अच्छे हो गए हैं, और मेरे हाइलाइट्स ऑलरेडी थे तो वो और ज़्यादा डार्क हो गए हैं, और जो कलर है बहुत ही अच्छा आया है मेहंदी का। तो आपको ज़रूर इस तरीके से हेना लगानी चाहिए। और आप मेरे बाल देख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट सिल्की भी हुए हैं, और कलर भी बहुत अच्छा डार्क हुआ है। मैं आपको सनलाइट में नहीं दिखा सकती, बट आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही अच्छा कलर आया है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है या फिर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज
लाइक पे हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।